सो बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन वाला स्टडी कर लिया है। अब हेलिकल मोशन कब कब मिलेगा वो समझ में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको अच्छे समझने के लिए ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हम इसको थ्री डायमेंशन में बना के चलेंगे। तो ये रहा बच्चों मेरा फर्स्ट डायमेंशन, है ना, और मतलब एक्स वाई जेड मुझको तीनों बतलाना है यहाँ पे, तभी समझ में आएगी बात, है ना। इस तरह से समझ के चलो। जो बच्चों आपका एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, देखो सारे बच्चे, जो आप लोगों का एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, उस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चल के जा रही है। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कुछ चल के इस तरह जाती है, ये रही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्शन किसका हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इसको मैं पे बी लिख लेता हूं। अब जानबूझ के इंटेंशनली बच्चों, मेरे को अगर सर्कुलर मोशन देखना होता तो मैं तो इसको सीधे परपेंडिकुलर ऊपर थ्रो करता, राइट। और अगर बी के साथ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर थीटा 0 हो जाएगा, तो सीधे निकल जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, इंटेंशनली इसको किसी एंगल पे थ्रो करेंगे, एंड दैट एंगल विल बी लाइक दिस। ये रहा तुम्हारा कोई एंगल, तो ये चार्ज क्यू है, कुछ वेलोसिटी वी है बच्चों, कोई एंगल मार के इसको थ्रो कर दूंगा तो तुरंत आपको दिखना चाहिए कि सर देयर विल बी टू एंगल्स, टू कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस पे बन जाएगा बच्चों और एक वाई पे बन जाएगा। तो बोलोगे यस सर ये तो पॉसिबल है। एक्स पे कौन बन जाएगा, तो बोलोगे सर वी कॉस थीटा, और वाई पे कौन बन जाएगा, तो हो जाएगा वी साइन थीटा। अब मैंने वी को यहां से रिजोल्व कर लिया तो ये खत्म हो गया है। अब मेरी बात सुनो, ये फंस गया है बेचारा चार्ज पार्टिकल, क्योंकि वी कॉस थीटा चाहता है कि आप सामने की तरफ मोशन करो, है ना। वो चाहेगा कि भैया लीनियर मोशन करके निकल जाओ। आ रही मेरी बात समझ में, द पैरेलल कॉम्पोनेंट वी कॉस थीटा विल प्रोवाइड लीनियर मोशन। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ फंस जाएगी, ये जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आया आपका, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, ये वेलोसिटी का पैरेलल कॉम्पोनेंट है। ये बोलेगा भाई साहब मैं तो 90 डिग्री हूँ बी के, तो मैं तो मानूंगा नहीं, अब मुझे तो प्रॉब्लम, मुझे तो सर्कुलर मोशन ही करना है। तो मान लो कोई पीटी के टीचर बोल रहे तुम फुटबॉल खेलो, कोई बोले तुम वॉलीबॉल खेलो, तो बच्चा कुछ और ही खेलने लग जाता है। तो सर्कुलर मोशन करने को बोल रहे हैं और सामने चलने को बोल रहे हैं बच्चों, तो ये सर्कुलर भी चलाएगा और सामने भी चलेगा, तो ये आपको ऐसा हेलिक्स टाइप का दिखने लग जाएगा, बिकॉज ऑफ द कंबाइंड मोशन बच्चों, बिकॉज ऑफ द कंबाइंड मोशन। एक सामने मोशन कराना है अपन को, और एक क्या कराना है, सर्कुलर मोशन भी कराना है। इन दोनों मोशन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, हेलिकल मोशन मिल जाएगा। अब मुझे बताओ ये हेलिक्स कैसा पड़ रहा होगा। तो बोलोगे सर हेलिक्स को समझाना कितना आसान है, वो मेरे साथ देख लो, यहाँ पे सारे बच्चे देख लो एक बार, ये चार्ज है बच्चों और वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो कितने बच्चे राइट हैंड, अपना राइट हैंड को बाहर निकालो बच्चों, और बी के डायरेक्शन में अपने हाथ को रखो, मतलब मोबाइल की स्क्रीन पे आपके चारों फिंगर्स रखा जाएंगे, जो थंब होगी वो ऊपर जाएगी। तो बताओ पाम कहाँ गया आपका, मोबाइल के अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। इफ वी अप्लाई राइट हैंड पाम रूल, तो चारों फिंगर्स बी पे रख लो ऐसे करके, देखो ये चारों के चारों फिंगर बच्चों ऐसे करके बी के डायरेक्शन में रख लो, रख लिए क्या, देखो है ना। ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया बच्चों आपका बी। तो आपका जो पाम होगा ना वो अंदर की तरफ जा रहा होगा। अंदर की तरफ जाने का मतलब पता है क्या है बच्चों, ये पाम रूल लगाया गया है, इसका मतलब है जब ये इनवर्ट जाने का मतलब है, यहां से भी सर्कल लगाना शुरू करेगा ना बच्चों, ऐसा पाम रूल दिख रहा है क्या सबको ये। तो बच्चों सबसे पहले आके वो ऐसे एंटर करेगा ये, फिर बाहर आएगा, एंड देन अगेन वो अंदर जा रहा होगा, फिर बाहर आ रहा होगा, फिर अंदर जा रहा होगा, और फिर अंदर जा रहा होगा, मतलब ये इनवर्ट जा रहा होगा। ये डायरेक्शन भी पूछ लिया जाता है अपन लोगों से, इसकी मैं थ्योरी लिख के देता हूँ क्योंकि समझाना तो बहुत ही आसान है इसका, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, व्हेन व्हेन अ पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड बी, देन इट परफॉर्म, क्या करेगा बच्चों, ये हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन में बच्चों एक लीनियर मोशन रहता है और एक कौन सा मोशन रहेगा, तो बोलोगे सर सर्कुलर मोशन रहेगा। तो
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो लिख सकते हैं यहां पे द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये अपन को सर्कल चलने को बोलेगा, एंड द पैरेलल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बच्चों ये अपन को लीनियर मोशन करने को बोलेगा। इतना आना चाहिए सबको समझ में। देखो आया क्या बच्चों, देखो v cos थीटा से अपन का सामने जा रहा है, v sin से ऊपर जा रहा है, सर्कल बना देना। अगर पामू लगाने नहीं भी आएगा तो भी इतना कर देना, कोई दिक्कत नहीं अपन को, ठीक है। तो अपन पहला आंसर लिखते हैं यहाँ पे, देखो इधर सब, रेडियस ऑफ हेलिक्स कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेलिक्स। तो बोलोगे सर आर का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी डिवाइड बाय क्यू इंटू बी, वी कौन सा होगा, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर। तो आंसर क्या हो गया, एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय क्यू इंटू बी। बताओ जरा से भी दिक्कत आई क्या ये इतना सा लिखने में, है ना, एम वी बाय क्यू बी से मेरा आंसर आ गया, है ना। वी कितना आ जाएगा बच्चों, तो बोलोगे सर वी का मतलब है परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट से बात हो रही है ना, तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लूंगा मैं, और क्या करना चाहिए अपन को यहाँ पे। बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, इतना कर लोगे क्या। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, देखना ये इतना आसान है ना ये, कि एक देखो ये सारे बच्चे, लेट अस अज्यूम दैट ट्वेल्थ क्लास, देखो इधर सपोज ये हेलिक्स यहाँ पे शुरू हो रहा है जहां मेरा मार्कर है, तो एक हेलिक्स खत्म करके वापस जब आएगा ना बच्चों, तो वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। वो क्रिकेट वाली पिच नहीं बच्चों, जितना ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है ना, तो उतना ही ये आगे बढ़ जाएगा ऐसे करके, फिर अगला आगे बढ़ जाएगा सर्कल करके, मतलब एक सर्कल ये कहलाएगा, यहां से चल के आके ये घूम करके वापस वहीं पे जाना। तो कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय पिच, तो आपका आंसर होना चाहिए पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज इन वन हेलिकल मोशन। बच्चों एक हेलिक्स लगाने पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको पिच बोलते हैं। तो मान लो ये आपका एक ए पॉइंट था और ये ए डैश था, तो बच्चों लीनियर डिस्टेंस कहलाएगा ना, बोलो जल्दी, जो लीनियर डिस्टेंस कहलाएगा ए से लेके ए डैश तक का, उसको आप लोग पिच बोलोगे। ये कितना आता है ये भी निकालेंगे अपन लोग। अब लीनियर डिस्टेंस चल रहा है तो ये जो एक डिस्टेंस का टर्म हो जाएगा, तो मुझे बताओ इलेवेंथ क्लास से डिस्टेंस को कैसे निकालते हो आप। तो बोलोगे सर उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। एम आई क्लियर, वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए बच्चों, तो बोलोगे सर पैरेलल वाली, क्योंकि उसी की वजह से तो आगे जा रहा है। अरे एटलीस्ट इतना तो दिमाग चलाओ कि ये सामने जा रहा है तो किसकी वजह से जा रहा होगा सामने, वीक कॉस थीटा जा रहा होगा सामने, तो पैरेलल हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय वो एक कंप्लीट टाइम हो जाएगा। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी हाल फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लेना है, और टी कितना आएगा ये मैं आपको भी नेक्स्ट पेज बताऊंगा, एंड देन वील कम बैक टू दिस फॉर्मूला एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग डिस्टेंस या पिच निकालेंगे अपन, ठीक है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया अपना। अब बात करते हैं बच्चों टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बोलो। टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स, तो टाइम पीरियड का मतलब है सर्कुलर से काम चल जाना चाहिए इसका, तो है ना, तो बस अपना काम हो जाएगा। तो यहां पे लिखा है बच्चों टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स, तो वो कैसे कर सकते हो टाइम पीरियड के बारे में बात, तो बहुत बहुत जनरल सी बातें हैं। आप एक फॉर्मूला है अपने पास टाइम पीरियड का, बोलो बच्चों एनीबडी, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, समझे बच्चों। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 पाई आर हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी। मुझे बताओ किसके को क्या कंपोनेंट के रिस्पॉन्सिबल है सर्कल लगाने के लिए यहाँ पे, तो बोलो सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है।
तो यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो आंसर हो जाएगा 2π। परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा वी साइन थीटा, और आर का फॉर्मूला होता है एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय, बोलते जाओ, क्यू इंटू बी। बच्चों वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर बोलो क्या इतना आना चाहिए, 2πm डिवाइड बाय क्यू बी। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm डिवाइड बाय क्यू बी, जो एग्जैक्टली पुरानी वाली सर्कुलर मोशन में भी यही का यही फॉर्मूला होता है। तो बोलोगे यस सर होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं यहीं पर फ्रीक्वेंसी निकाल के बता बेटा, तो बोलोगे सर एफ होता है वो और 1/T होता है, इसको पलट के लिख दीजिए। तो क्यू बी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 2πm का टर्म हो जाएगा। एक फॉर्मूला अपना ये बन गया बच्चों, क्लियर। एक बात और, अब अपन आते हैं वापस से पिच फॉर्मूला को निकालने के लिए। पिच कैसे समझ में आएगी अपन को, है ना। तो पिच का मतलब होता है बच्चों, बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो पिच इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब पिच बच्चों इस पूरे पेज पे ना लीनियर डिस्टेंस होता है, इसका फॉर्मूला लिखवा दिया है मैंने आप लोगों को फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट इनटू टाइम पीरियड। आया क्या समझ में, तो ये हो जाएगा v cos थीटा। टाइम बोलो कितना होता है, तो हमारे पास क्या मिल रहा है पिच का फॉर्मूला, पिच ऑफ द हेलिक्स इज 2πmv cos थीटा होल डिवाइड बाय qb। ये एक सिंपल सिंपल हो रहा है डेरिवेशन बच्चों, बता इसमें इतना घबराने वाली बात ही नहीं है। आपको केवल डायग्राम आना चाहिए समझ में कि अगर कोई कंपोनेंट वेलोसिटी में जाता है तो इसका मतलब सीधा है कि उसका एक कंपोनेंट बच्चों हॉरिजॉन्टल बन जाएगा और एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा, उसका वर्टिकल बन जाएगा। और इस तरह अपन आराम समझ सकते हैं बच्चों। अब अपन पढ़ लेते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो बड़ी बड़ी सिंपल सिंपल बातें अपन खत्म करते चलते हैं और सिलेबस अपना सही पेस पे जा रहा है ना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है वर्क डन, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मुझे वर्क डन का नॉर्मल फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ ना बोलो भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे अपन लोग की स्मॉल वर्क डन होता था बच्चों एफ डॉट डी आर। तो बोलोगे हाँ सर बात तो पक्की है ना, जस्ट स्टिक टू दिस लाइन, है ना। बोर्ड पे देखो, मान लो कभी भी ऐसा हो रहा बच्चों आपके इनवर्ड में कोई फील्ड जा रही हो, दिख रहा है क्या, देखो ये इनवर्ड में फील्ड जा रही है एंड अ चार्ज, कोई एक प्लस का चार्ज मैं यहां पर लेकर आऊं प्लस का क्यू और उसको बच्चों ऐसे एंटर करा दूं, बताइए मुझे कहां जाएगा ये, एनीबडी इन द क्लास। बच्चों यहां पर डायरेक्टली अगर मैं पाम रूल से आपसे कुछ बातें करूं ना, तो आप बोलोगे सर ये वी राइट साइड जा रहा है, राइट। तो पाम रूल कैसे लगता है बच्चों, देखो चारों के चारों फिंगर्स को ना मोबाइल के सामने रख लो अपने, अंदर जाते दिखा दो, है ना, और थम को ना वी के साथ रख लो, मतलब किसी से अपन प्रसाद मांग रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लो, है ना। तो अपना पाम कहाँ रहेगा बच्चों, तो बोलोगे सर पाम अपना ऊपर की तरफ रहेगा, आ रही मेरी बात समझ में। तो एनी मोमेंट यू कैन से दैट एफ लिखा हुआ है यहाँ पर वेक्टर्स में मैग्नेटिक फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा बच्चों वो dr करके हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, एंड देन ये हल्का सा टर्न करेगा बच्चों तो फोर्स भी थोड़ा बहुत ऐसा टर्न करता जाएगा, मतलब फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही रहना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू dr, या ऐसा भी बोलते हैं कई सारे लोग कि dr से अगर नहीं समझ में आया बच्चों आप लोगों को, तो ये समझ लो कि आप लोगों को वेलोसिटी दिख रही है यहाँ पे बच्चों, बोलोगे यस सर दिख रही है, तो क्या ये बोल सकते हो कि फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, तो बोलोगे हाँ सर होगा। तो वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों dr/dt होता है, तो फोर्स आपका परपेंडिकुलर किससे हो गया, ये हो गया dr से। जब दो परपेंडिकुलर लोगों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक वन मार्क का रीजनिंग क्वेश्चन हो गया कि द वर्क डन बाय, बोलो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है,
अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वाली भी आ जाएगी और आगे चल के कहीं कहीं पे अपन को नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा जेईई नीट के कुछ कुछ क्वेश्चंस में, है ना, जहां फील्ड थोड़ा बहुत चेंज कर रही होगी। ठीक है, एक बात का याद रखें, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 12th क्लास के बच्चों कितना आएगा? जीरो। क्लियर यहां तक सबको? तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है अपने पास। इट सेज दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले आपको एक कंडक्टर को ना एक सिलेंडर की तरह देखना होगा कि सपोज ये अपना एक सिलेंडर हो गया, एक कंडक्टर का एक रॉड हो गया, वायर हो गया इस तरह से। एंड आई हैव प्लेस माई वायर हियर, और बच्चों इस पर से क्या होता है, करंट फ्लो करके जा रहा होता है। तो बच्चों ये करंट इसका फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात? हेलो बच्चों, करंट आई फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैंने आप लोगों को आज अभी तक के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमेशा चार्ज लेकर के पढ़ाया है बच्चों, आज अपन करंट से पढ़ेंगे, बिकॉज आगे चल के ना करंट कैरिंग वायर से बहुत सारी बातें हो रही होंगी। अपन बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे और चैप्टर अब नेक्स्ट फेज में जा रहा है हमारा। मान लीजिए ये कंडक्टर अभी एक्स एक्सिस की तरफ करंट ट्रेवल करा रहा है और इसको अपन ने कहीं प्लेस कर दिया ऐसी जगह पे जहां पे इनवर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस पूरे पेज पे ना बच्चों इनवर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड है, उस पे मैंने कंडक्टर को ला करके रख दिया है। देखा क्या सबको, फील्ड कैसे जा रहे हैं बच्चों? बी, ये हो जाएगा आई, ओ वगैरह वगैरह। तो आपको तो पता होगा ना कि हर कंडक्टर के पास मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बोलोगे हाँ सर ये तो मालूम है। तो अगर करंट राइट साइड गया है तो मुझे बताइए अंदर बैठे एक बेचारे इलेक्ट्रॉन पे क्या बीती होगी? वॉट डज वन दैट वन इलेक्ट्रॉन विल बी डूइंग? दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी गोइंग बैकवर्ड विथ अ वेलोसिटी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एम आई राइट? एंड लेट अज्यूम दैट द होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, जिसको अपन बोल देंगे ड्रिफ्ट इंटू डेल्टा टी, और यहां पर अपन ऐसे आगे आ जाएंगे। यहां तक का समझ में सबको आ गया होगा मेरे हिसाब से। लेंथ मतलब ये डिस्टेंस का टर्म होता है बच्चे लोग, और फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। आई एम टेकिंग वेलोसिटी एज वी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव का चार्ज होता है। इतना तो क्लियर होगा सबको माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो अपन लिखते हैं लेट अज्यूम। देखो बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, समझ लो। लेट अज्यूम अ कंडक्टर कैरिंग करंट आई प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी आई करंट कैरी करे वाले इंसान को अपन ने क्या करा है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब इस पे फोर्स कैसा पड़ेगा वो आप लोगों को मुझे बताना है, लेकिन उसके भी पहले दुनिया जानती है इस पूरे कंडक्टर के पास मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन को पढ़ लेते हैं, अपना काम हो जाएगा यहाँ पे। यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लिखता हूं मैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? तो बोलोगे सर जी फोर्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर में लिखा जाता है क्यू टाइम्स, बोलो अंदर बच्चे लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हो, वी क्रॉस बी। तो चार्ज की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का ई। वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट। और मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे बच्चों, किस किस को आया ये बच्चे लोग? अरे क्यू वी बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का ई वी बी और वगैरह वगैरह हो जाएगा ना। बात तो समझो क्या बोल रहा हूं मैं। अब और देखो यहां पे, ये है फोर्स एक इलेक्ट्रॉन का। किसका है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का। मुझे बताओ यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं लिखता हूं यहां पे लेट एन इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये लॉजिक मैंने आप लोगों को बतला रखा है कि छोटा वाला एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ या ना बच्चों? इसको लिखते हैं बड़ा वाला एन डिवाइड बाय एरिया इनटू लेंथ, जिसको ये लिख सकते हो नंबर एरिया लेंथ की जगह पे आ जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी। ये सब करते हो ना आप लोग, याद तो करो भाई।
तो लेंथ वाले की जगह ये अब इसको एक्सपांड नहीं करता हूं मैं यहीं से आपको बोल देता हूँ बच्चों, स्मॉल एन का फॉर्मूला ये आ रहा है ना, तो बड़ा वाला एन कितना हो गया, छोटा वाला एन ए और एल। ट्वेल्थ के बच्चों स्मॉल एन मैग्नेट में यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में कई जगह लगता है बच्चों, ये बहुत क्रूशल आदमी है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, क्योंकि कोई चीज जब ट्रेवल कर रही होती है तो पर यूनिट वॉल्यूम का टर्म बताना पड़ता है। लेट ए बी द क्रॉस सेक्शन, तो आप यहां से कर सकते हो बच्चों, फोर्स लिखा हुआ है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन का, तो फिर अपन लिख सकते हैं यहां पे बड़े आसानी से फोर्स एक्टिंग ऑन, बोलो फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर, उन सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स होगा, इसके पास अभी टोटल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लिया ने, तब तो एफ नेट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर होना क्या है माइनस एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एन बोल रहा हूं एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने वाले एक्सप्रेशन को, ई टाइम्स बोलो वी क्रॉस बी, कोई दिक्कत वाली बात, एन की जगह क्या आ जाएगा एन ई ए एल आ जाएगा बच्चों एक, और यहां पे हो जाएगा वी बोलो, किस किस को आएगी समझ में बच्चों, अगर आप करंट चैप्टर पढ़कर आए हो आपको पता होता है बच्चों किसी कंडक्टर में करंट ट्रेवल करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर फॉर्मूला होता है एन ई ए बोलो वी डी, और करंट की हमेशा जो फॉर्मूला डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में होती है, तो देखो अपनी लॉटरी लग गई है यहाँ पे, एन बी आ गया ई बी आ गया ए बी आ गया और वी डी भी आ गया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, और नेगेटिव का टर्म भी आ गया, जल्दी बोलो ये हो जाएगा आई ठीक है, एल बच्चों अंदर चला जाएगा और अब एल एक तरह का लेंथ का वेक्टर बन जाएगा और एल को अपन वेक्टर लगा देंगे आई इंटू एल क्रॉस बी, तो दिस इज द न्यू फॉर्मूला जो अपन ने दो लाइन में डिराइव कर लिया है। इसका अगर कोई पूछता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फैक्टर नेट फोर्स, तो बोलोगे सर आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा लगता है इसका मैग्नीट्यूड, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है किसी बच्चे को, पहले मैंने एक चार्ज का लिखा, देख लो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक चार्ज का लिखेंगे, चार्ज को एज अ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर बोलेंगे उसके पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर एन की वैल्यू एक्सपांड कर देंगे एंड देन हमारा आंसर मिल जाएगा। राइट साइड की कहानी बहुत सिंपल है, अब मुझे बताओ फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करोगे, तो ये नेगेटिव का चार्ज है बच्चों, बच्चे लोग किसका चार्ज है ये बोलो, नेगेटिव का चार्ज है, तो मुझे यहां पर पाम रूल लगा के दिखाओ, एक बात समझ लो बच्चों, अब अपनी बारी आती है कि इसका डायरेक्शन कैसे चेक करना है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन का आपको दिखाता हूं, इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां दिख रहा है अपन को माइनस का चार्ज दिख रहा है यहां पे, बच्चे लोग देखो चारों के चारों फिंगर्स को आपको स्क्रीन के अंदर रख लेना है कि अपन बी के डायरेक्शन बता रहे होते हैं, और थंब कहां आ जाएगा आपका इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिख रहा है क्या बच्चों, तो आप लोगों का पाम जो होगा ना वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, लेकिन चार्ज कैसा है नेगेटिव है ना, तो आपको एक बार डायरेक्शन अपना पलटना पड़ेगा, तो रादर देन ड्रॉइंग डाउनवर्ड बच्चों आपको ये समझ आना चाहिए कि कहां होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बोलो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे अपवर्ड लगेगा, तो यहां लाखों इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपवर्ड ही लगेगा, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा इसको मैं आपको कलेक्टिवली एक कंडक्टर से समझा देता हूं बच्चों, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास इनवर्ड पे फील्ड है, तो बोलोगे यस सर हो सकता है ऐसा, देखो इधर इनवर्ड पे फील्ड बी मैंने बना दिया, और बच्चों कोई एक मैं कंडक्टर लेकर आया करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर आया देखो ऐसा, और उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ये उसके करंट का डायरेक्शन है, तो पाम रूल ना चार्ज पे भी लगता है और करंट पे भी लगता है, करंट पे भी सेम वैसे तरीके से लगाया जाता है, चारों फिंगर्स को बच्चों सामने रख लो मोबाइल फोन के स्क्रीन के अपने या लैपटॉप जिससे पढ़ रहे हो आप लोग, चारों फिंगर सामने रख लिए अंदर दिखाते हुए अंदर जा रहे हैं वो है ना, अब बच्चों अपने थंब को ना करंट के डायरेक्शन में रखना है, तो करंट राइट साइड जा रहा है ना, तो थंब को राइट साइड कर दो अपने, आया क्या, तो आपका पाम कहां बन जाएगा, तो बोलोगे सर पाम तो हमारा एक झटके में आ रहा है ऊपर की तरफ, आ रहा है सबका आंसर, तो बोलोगे यस सर पाम अपना ऐसे आ रहा है, तो बच्चों करंट से लगाएंगे तो भी ऊपर आ रहा है अपना आंसर,
और अगर इलेक्ट्रॉन से पढ़ेंगे तो भी अपना आंसर ऊपर ही आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या है, बड़े सिंपल भाषा में बात करूं तो हम लोग अभी तक तो इलेक्ट्रॉन वगैरह पढ़ते आए हैं, बट अब जाकर हमको क्या पढ़ना चाहिए, एक कंडक्टर। तो पाम रूल दोनों के लिए लगाना सीखो, चार्ज आएगा तो वेलोसिटी के डायरेक्शन से लगता है और करंट आएगा तो करंट के डायरेक्शन में अपना थंब चला जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ ही फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की तरह दिख रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग जाएगा क्योंकि उसमें तीन फिंगर्स अपन को निकालने होंगे, दो फिंगर्स एक थंब वगैरह वगैरह से। ये बड़ा सिंपल होता है बच्चों, चारों उंगलियां एक तरफ लेके जाओ, फील के अंदर लेके जाओ, है ना, स्क्रीन के अंदर दिखाओ, और आई क्या हो जाएगा आपका राइट साइड में, तो पाम बच्चों अपवर्ड आएगा और यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इट्स दैट मच सिंपलर फ्रॉम हियर टू अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है किसी को भी। तो यहाँ हो गया अपना डायरेक्शन, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। हाँ, इस पेज पे क्या आ रहा है कि एक लेंथ को अपन ने वेक्टर देखा, जो लेंथ का जो डिस्टेंस का जो टर्म आएगा ना, जितना लेंथ रहेगा बच्चों, वो वेक्टर इसलिए लिया जाता है कि आगे चलकर अपन ही समझ लेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है ना, वहां से लेंथ का वेक्टर डिसाइड किया जाता है। तो व्हेन आई गिव यू न्यूमेरिकल्स तब ये बात बता दी जाएगी, ठीक है। लेंथ डिस्टेंस एक स्केलर का टर्म है, लेकिन लेंथ वेक्टर हो सकता है ना, जैसे पोजिशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, करंट जहां स्टार्ट कर रहा होगा लूप में, जहां एंड कर रहा होगा बच्चों, तो वो लेंथ का एक वेक्टर बन जाएगा अपने आप, ये हो जाएगा लेंथ का वेक्टर, ठीक है।